ready. So I have two questions to you. You can answer quickly. So I just want to know that you have, yes, congratulations first for being the first prize, first place, and that to 6.9 kgs, almost 7 kgs in 30 days. And yes, it will look like a magic or something, but yes, you have followed it. That's why you have reduced, right? So I want to know quickly from your side that was this recipes given to you were difficult, or means the meal plan and the recipes given to you were difficult to make, or was it tasteless and all? Kaisa No, tha, it was matlab? not at all tasteless. Even my 7 year child is also eating it so nicely. Mama, I want more, I want more. तो मुझे लगा नहीं, रेसिपी बहुत ही अच्छा था जो आपने दिया. मुझे तो अच्छा लगा था रेसिपीज. और एक्चुअली क्या, सुबह ब्रेकफास्ट में ज्यादा रोटी सब्जी यही खा रहे थे, बट आप जो रेसिपीज दे, तो वैरायटी मिल गया मुझे ब्रेकफास्ट के लिए. तो मुझे रोज अलग अलग वैरायटी मिल रहा था ब्रेकफास्ट बनाने के लिए. तो मेरा बच्चा भी बहुत खुश हुआ कि नहीं, मम्मी रोज अलग अलग चीज बना रही है. रियली इट वाज और बनाने में दिक्कत नाइस. आई, मुश्किल था बनाना कि इजीली बन नहीं जाता था? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजी था, बहुत सिंपल था और टेस्टी भी था. गुड, तो यही मुझे जानना था। और एक और क्वेश्चन मुझे जानना है आपसे कि आप जब, जैसे आप बोल रहे हो कि सारे टेस्टी डिशेस थे और आपको भूख लग रहा था बीच में, बिकॉज यू हैव रिड्यूस, क्योंकि लोगों को लगता है कि वेट रिड्यूस करना है तो भूखे रह के करना है या फिर खाना बंद करके करना है, तो आपको, आप क्या बोलना चाहते हो इस पे कि आपको भूख लगा बीच बीच में हर रोज, या फिर कैसा था, मीन्स हाउ वाज योर जर्नी इफ आई आस्क अबाउट द हंगर पार्ट? ना, इफ आई से द ट्रूथ, ना फर्स्ट वीक थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था क्योंकि एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है. तो फर्स्ट वीक मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बट आपने कहा था कि भूख लगेगा तो क्यूकम्बर सलाद ये खा लेना, बटर मिल्क केश, तो मैं वो सब ले रही थी. बट मुझे सेकेंड थर्ड फोर्थ वीक कुछ, मतलब हंगर मुझे कुछ लगा ही नहीं. मतलब पूरा एडजस्ट हो गया था मेरे साथ कि हाँ, मुझे इस वक्त ये लेना है, ये लेना है. तो मेरा बॉडी भी उस तरीके से एडजस्ट होने लग गया है. अभी भी मुझे उस तरीके से ही हो रहा है कि 30 डेज हो गया, उसके बाद भी मैं उस तरीके से ही खा रही हूँ. तो मुझे हंगरी मुझे तो Awesome. नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था मेरे लिए. मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपको भूख भी ज्यादा, मतलब फर्स्ट वीक को छोड़ के बाकी टाइम आपको भूख भी नहीं लगा, लेकिन आप मतलब खाते हुए आपने रिड्यूस किया। हाँ, बिल्कुल. इवन माय मॉम यूज्ड टू से, यू आर इन डाइटिंग ना, यू बोले यस. But it not seems that you are in dieting, you are eating too much. ऐसा कुछ भी नहीं है. Actually क्या होता है, आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर यही करते हैं हम, और डाइटिंग में क्या होता है, इंटरवल में हो रहा था सब, 2-2 घंटे बाद या कुछ. तो मम्मी बोल रही थी, तू डाइटिंग पे है या तू ज्यादा खा रही है? मैंने So she'll कहा be very इतना happy जोन to मजा है know. डाइटिंग करके, मैं सच बता रही हूँ. एंड तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगी कि मेरी बेटी ने मुझे खाते हाँ खाते कम कर लिया। बिल्कुल. गुड, सो कंग्रेचुलेशंस।